हेलो नमस्कार मैं हूं आपका दोस्त प्रहलाद सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल टेप न्यूज दोस्तों दो महीनों से हनीप्रीत को अंबाला की सेंट्रल जेल में न्यायिक हिरासत में रखा गया है और जब भी पंचकुला कोर्ट में हनीप्रीत को पेश किया गया है तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही पेश किया गया है मगर पहली बार 7 दिसंबर को हनीप्रीत को अम्बाला की सेंट्रल जेल से बाहर निकालकर पंचकुला कोर्ट में सामूहिक रूप से पेश किया गया था जहां पर एस की टीम ने जो बारह सौ की चार्जशीट पंचकुला कोर्ट में जमा कराई थी उस चार्जशीट की कॉपी को कोर्ट ने हनीप्रीत व पंद्रह आरोपियों को सौंपा था और ग्यारह दिसंबर को फिर से हनीप्रीत को अम्बालगी सेंट्रल जेल से बाहर निकालकर सामूहिक रूप से पंचकुला कोर्ट में हर सुखदीप कौर जो महिला हनीप्रीत के साथ बनती जो महिला हनीप्रीत की गिरफ्तारी के समय पकड़ी गई थी सुखदीप कौर और हनीप्रीत व पंद्रह आरोपियों को एक साथ पंचकुला की कोर्ट में पेश किया गया जहां पर पंचकुला कोर्ट ने आदेश दिया है जो चार्जशीट की कॉपी दी गई थी उसको चेक कराने का आदेश दिया गया है उसकी जांच कराने का आदेश दिया गया है जो बारह सौ पन्नों की चार्जशीट एस आई टी ने जमा की थी उस चार्जशीट की जांच के आदेश पंचकुला कोर्ट ने दिया है और हम आपको ये भी बता देते हैं कि अब हनीप्रीत की पेशी पंचकुला कोर्ट में नहीं होगी अब हनीप्रीत की पेशी सेशन कोर्ट में होगी जहां पर हनीप्रीत के ऊपर जल्दी ही डिसीजन लिया जाएगा हनीप्रीत को क्या सज़ा मिलेगी और ये जो अगली पेशी होनी है ये 21 दिसंबर 2017 को हनीप्रीत सुखदीप और पंद्रह अन्य आरोपियों के साथ सेशन कोर्ट में पेशी होगी जहाँ पर हो सकता है कि इस बार हनीप्रीत को उसके गुनाह की सज़ा मिल जाए दोस्तों तो यदि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो नीचे लाल रंग के बटन पर क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें शेयर करें धन्यवाद